हेलो इंदौर, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब इंदौर वालों का मैं चिंकी और ये मिंकी स्वागत करते हैं। वाओ, कॉफी फेस ग्लैमर। लेकिन ये तो क्लियर कीजिए कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। खैर ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ बड़े फेवरेट स्टार्स को देखने आई हूँ। ओह अरे वाह, क्या बात है। कौन से टीवी शोज देखती हैं आप लोग? कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसौटी जिंदगी की, तारा फ्रॉम सितारा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, पटियाला बेस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुंडन तुमसे ना हो पाएगा, बेहद नजर और इंडियन आइडल, बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग कपिल शर्मा शो नहीं देखती हैं? उसमें तो हम आते हैं ना बुद्धू। आपने मुझे बुद्धू क्यों बोला? मैंने थोड़ी बोला, इसने बोला। अच्छा जिसने भी बोला चलिए सॉरी बोलो। अरे जो मैंने बोला ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? इससे कहो ये बोले। मैं यहाँ बड़े खास काम से आई हूँ, एक टीवी एक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसे प्रपोज करने आई हूँ। एक मिनट, ये आपको पसंद है या फिर आपको पसंद है? मुझे पसंद है, इसका पता नहीं। कपिल भाई अभी पता चला कि आप लड़कों को साड़ी क्यों पहनाते हो, जब असली वाला ग्लैमर इतना कंफ्यूज करता हो तो नकली से काम चलाना बेहतर है। कौन है वो खुश नसीब बंदा? वो बहुत अच्छा एक्टर है, टीवी पे आता है। टीवी पे एक्टर ही आते हैं, कोई प्लम्बर और कारपेंटर तो आते नहीं है। साफ साफ बताइए ना कौन है वो? वो क्यूट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, विटी है, कुल मिला के मेरा चोना बाबू है। चोना बाबू? मैंने उसका बायोडेटा नहीं पूछा, आप सीधा सीधा नाम बताइए ना कौन है वो। हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़के से प्यार करते उसका नाम नहीं लेते। ओ मैडम ये कहीं का रिवाज नहीं है, ये तो अपनी बीवियां जो है वो अपने पतियों के लिए करती हैं। हाँ तो मैं उसे अपना पति मानती हूँ। आप पति मानती हो या फिर आप पति मानती हो? मैं तो मानती हूँ, इसका पता नहीं। ये ना हो कि तुम लोगों के चक्कर में मुझे जो कुछ पता है मैं वही भूल जाऊं। एक काम करें, एक ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे साफ साफ पता चल जाए कि वो कौन है। आजकल वो इंडियन आइडल होस्ट कर रहा है। अरे क्या बात है, आपको मैं पसंद हूँ। हे भगवान, यहाँ तो एक भी लड़की नहीं फंस रही थी, यहाँ तो डायरेक्ट दो दो से प्रपोज मिल गया। अरे तो एक मिनट, दोनों ने क्या प्रपोज किया? सिर्फ इसने किया। मतलब क्या, तुम इसे पसंद हो? मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुमको मैं पसंद हूँ। मैंने थोड़ी कहा था, इसने कहा था। मैं हंसू या रो? अरे अभी तो आपने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक है। दो कहा है, मैं तो एक ही हूँ। मुझे चक्कर आ जाएंगे। इतना तो हमारे डेली सॉन्ग भी कंफ्यूज नहीं करते जितना इन दोनों ने मुझे कर दिया है। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, हम लड़कियों को समझते ही नहीं हो, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कपिल शर्मा ही देखेंगे। अरे वो मुझे क्यों देखेंगे? अरे तुम इंडियन आइडल कर रहे हो, उनका फेवरेट शो है, उसमें देखेंगे। यार ये क्या हुआ, आपको समझ में आया क्या? क्योंकि मेरे सर के ऊपर से गया है एकदम पूरा। बस मुझे भी कोई ऐसी मिले जो मुझे भी पसंद हो और मेरी फैमिली को भी। अगला अवार्ड है जीवनसाथी.com presents जीवनसाथी बेस्ट जोड़ी अवार्ड, सेम जैसे हमारे टेलीविजन की जोड़ियां जो आपको भी पसंद हो और आपकी फैमिली को भी। और ये अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस सुमित सिंह, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन्फोएज इंडिया, देवात्मा साहा एंड गौतम रोडे। हाँ
So the Madhya Pradesh 1990 Awards for Jeevan Sathi Best Jodi goes to Ashish Singh and Randeep Rai. I'd like to thank all the fans of Ye Un Dino Ki Baat Hai for all the love and support jinhone hamari jodi ko best jodi banaya. So thank you so much. Main sabko thank you bolna chahungi aur sabse special thanks to all our fans kyunki unhone hamari jodi ko itna pasand kiya and we know wo din raat unhone kitni voting ki hai. So guys, this is for you. Thank you so much. Congratulations and thank you so much, presenters.